अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। आज हमने इधर आटोनगर में, आटोनगर के जितने भी ट्रांसपोर्ट फैमिली से जुड़े हुए सेक्शंस है, सभी सेक्शन वालों को बुला के हमने आज एक छोटा सा कॉर्नर मीटिंग रखे थे। इस मीटिंग में हमने जो इस ट्रांसपोर्ट फैमिली से जुड़े हुए जितने भी समस्या है, उस समस्या के ऊपर चर्चा करके उसके ऊपर क्या क्या सॉल्यूशंस है, क्या क्या सर्विसेज मैं दे सकता हूँ, वो हमने सविस्तर उनके सामने चर्चा कर रखी है। और उसमें से जो एक मेजर डिमांड उनकी जो आ रही थी कि हमारे उमरगा चेक पोस्ट पे हमारे गाड़ी वालों को तकलीफ़ होता है, हमारे गाड़ी वालों को बिना वजह उधर रोका जाता है, बिना वजह हरासमेंट की जाती है और बदले में ब्राइब मांगा जाता है। तो मैंने आज उनको, सभी मोटर मालिकों को आश्वासन दिया हूँ। 25 साल ये डिपार्टमेंट में मैं रह चुका हूँ तो सबका नस कहाँ है, उनको किस लैंग्वेज में कैसा बोले तो वो कैसा सुनते, कैसा किधर फ़ोन करे तो कैसा उन ये होते, वो हर चीज़ मुझे मालूम है। इसके लिए मैं उनको सबको आश्वासन देके आज उमरगा बॉर्डर चेक पोस्ट से जितने भी हमारे कल्याण की गाड़ियाँ आते हैं तो पूरा फ्री करने का ऐलान किया हूँ। अभी मेरे कुछ जो भी जुड़ेंगे, ऐलान तो मैंने कर दिया है, मेरे से जो भी मोटर मालिक जुड़ेंगे उनका काम मैं सबसे पहले करके दूंगा। और इसके पहले का अगर इतिहास आप देखेंगे, करीबन 15 साल से एजाज सेठ मेरे संपर्क में है, 10-15 साल से गाड़ी वालों का हर एक का समस्या है, मैंने उनके माध्यम से जो भी उनके पास समस्या आते थे तो मैं महाराष्ट्र में से वो समस्याएँ छुड़ा के देता था। और वो पहले जब मैं नौकरी करता था वहाँ पे, ऑफिसर था आरटीओ में, तो दोस्ती के खाते में बोल के काम कर देते थे। अभी तो मैं यहाँ का एक पार्टी का लीडर हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे मतदार क्षेत्र के जितने भी सदस्य है उनको सर्विस देना। तो इसके लिए मैं आज ऐलान किया हूँ कि उमरगा चेक पोस्ट अभी से फ्री, जो भी मुझे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े, ये सर्विस का उपभोग ले, ये हम विनंती करते हैं। सर, अभी आपने जो वादा किया है जी, जो भी चक्कर के प्रॉब्लम होगा आपको सॉल्व करेंगे जी, ये इलेक्शन के बाद अगर आप जीतते हैं तो करेंगे कि हारने के बाद भी करेंगे? हारने के बाद तो सबसे पहला करूँगा, क्योंकि काम नहीं रहता मुझे तो अभी ज़्यादा, जीतने के बाद तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता। हिंदुस्तान वो पूरे हिंदुस्तान में गाड़ी रखने नहीं दूंगा जीतने के बाद। सुबह आटोनगर के अंदर जो पिछले बार कई सालों से प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पे पीने का पानी की प्रॉब्लम है, रोडों की प्रॉब्लम है, नाली की प्रॉब्लम है, जब भी गाड़ी जाती तो पूरा दूर रुक के गया, जितने भी लेबर हैं उनको परेशानी होती है, तो इसका हल किस तरह से निकालेंगे? इसके पहले हमारे पार्टी के सर्वस्व हमारे कुमार अन्ना जी बसो कल्याण आए थे, यहाँ की लीडरशिप हमारे खादरी साहब कर रहे थे, तो साहब के मुख्यांतर उन्होंने आश्वासन दिया था हमारे कुमार अन्ना कि ये जो आटोनगर है एशिया खंड में हमारे पूरे वर्ल्ड में एक नंबर करूँगा बोल के उन्होंने आश्वासन दिया था। तो हाईटेक आटोनगर बनाने का ऑलरेडी हमारे पार्टी का एजेंडा है, हमारे कुमार अन्ना के नज़र में है, तो वही हम ऐलान करने जा रहे हैं कि तो हमको अगर विन करके भेजते हैं तो हमको मौका मिलेगा, हम हाईटेक आटोनगर करेंगे। यहाँ के कार्यकर्ता जो भी काम करने वाले लेबर हैं उनकी समस्या ये है कि उनके पास लेबर कार्ड नहीं है सर, जो गवर्नमेंट को फैसिलिटी मिलना था वो फैसिलिटी उनको नहीं मिली, जब भी जाते हैं तो कोई 500 रुपये 1000 रुपये इस तरह से क्या है इशू मांगता है, उनका काम कहीं ना हो नहीं पाता, क्या तो कमाते हैं मैं डेली के 200-300 रुपये कमाते हैं, 500 रुपये आशित हो गए, मजदूरी मिलने देती है, तो ऐसे इसमें यहाँ के लेबर को आप क्या मदद कर सकते हैं? देखिए पहले
लेबर का एजेंडा सबसे पहले है हमारे पार्टी का। तो लेबर कैटेगरी में जो जो भी तकलीफें हैं, क्योंकि वो क्लास को सभी सुविधाएं मिलना चाहिए, जैसे हॉस्पिटल है, मेडिकल है, और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ाना है, ये हर चीज़ें है। तो हमारे पार्टी के हमारे कुमारण जब चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो पक्का ये हम सॉल्व करके देंगे।